स्टार्ट करते हैं क्या चीज स्पीड। स्पीड क्या होता है? सिंपल सा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सॉरी डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्वाभाविक सी बात है हमारा क्या है स्पीड को कह सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ। पाथ लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते थे? डिस्टेंस बोलते थे, डिस्टेंस एंड टाइम टेकन, कितना टाइम लगा। अब स्पीड को सिंपल सा लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या होता है, वेक्टर या स्केलर? स्केलर होता है। ये टाइम क्या होता है हमारा, वेक्टर या स्केलर? तो स्केलर बाय स्केलर क्या देगा, तो हमारा क्या होगा स्पीड, हमारा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर होती क्या है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन की कोई बात नहीं करे। अब इसके यूनिट की बात किया जाए तो यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकंड। तो सिंपल सा इसका यूनिट हो जाए मीटर पर सेकंड होगा। एरो नहीं दिया, वो बता रहे हैं कि वो एरो स्केलर को दिखा रहा है, ये भी स्केलर ये भी स्केलर, स्केलर बाय स्केलर इज इक्वल टू स्केलर। ये हमारा क्या लिखा है, 1/5, ठीक है, और यहाँ एक स्केलर रख दिया, मतलब 10 न्यूटन, सॉरी वेक्टर रख दिया, 10 न्यूटन वेक्टर होता है। ये क्या देगा रिजल्ट, स्केलर का मतलब क्या मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मतलब क्या मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो किसी को डायरेक्शन प्रोवाइड कर दोगे तो वो तो पूरा बंदा डायरेक्शन में आ जाएगा ना, नहीं आएगा। चलो तो कह सकते हैं इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशन बताओ आदि, m0 l1 t-1। पढ़े हैं पहले से, और ये हमारा क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है। अब जैसे ये हमारा मीटर जो देख रहे होते हैं बाइक में, हुड़हुड़ वाला देखे हो कभी, वो क्या बताता है हमारा स्पीड बताता है। चलिए अब देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो। जैसे यहाँ फिगर में देखोगे तो क्या दिख रहा है, ये देखो ये 5 मीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है, 1 सेकंड में। अगला 5 मीटर भी 1 सेकंड में, अगला 5 मीटर भी कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। मतलब इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। यदि अनइक्वल टाइम में, ठीक है, सेम स्पीड को कवर करता या क्या करता, कभी 1 सेकंड में वो 5 मीटर जा रहा है और कभी 1 सेकंड में क्या कर रहा है 10 मीटर जा रहा, तो वो क्या होता, नॉन यूनिफॉर्म होता। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, हम चले 2 कदम चलने में हमको कितना टाइम लगा, मान लो 1 सेकंड लगा, अगले 2 कदम में भी कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड ही लगेगा, तो हम क्या कहेंगे उसको, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड के केस में हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन 0। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं करी है। यहाँ की वेलोसिटी यदि हम देखें तो कितना होगा, यहाँ की यदि वेलोसिटी देखें तो कितना होगा, यहां से बंदा चलना शुरू किया कहां पहुंचा, यहां पहुंचा, कितना डिस्टेंस कवर किया, यहां से चल के यहां पहुंचा कितना डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, तो यहां से यहां तक में कितना डिस्टेंस 10 मीटर, यहां से यहां तक में कितना टाइम 2 सेकंड, मतलब 5 मीटर पर सेकंड। चलो अब पहले भी आ जाते, मान लो इसकी बात करते, इसकी तो ये कितना डिस्टेंस 5, टाइम कितना 1, ये भी क्या आया 5 मीटर पर सेकंड। यहां से चलो यहां से लेते यहां तक की बात करते, कितना डिस्टेंस कवर किया 20, टाइम कितना लगा 5 5 5 5। यहां से लेके यहां तक का पूछे कितना डिस्टेंस 20, टाइम कितना 1 2 3 4, अच्छा सॉरी लो 15, टाइम कितना 3 सेकंड, तो आया कितना 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका कहीं भी स्पीड चेंज हो रहा है, जो स्पीड शुरुआत में था वही स्पीड कंटिन्यू कर रहा है, मतलब इसके पास क्या होगा एक्सेलरेशन 0। अब एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है ये समझो थोड़ा सा, जब एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ही एक्सेलरेशन 0, ये क्यों नहीं बदला भाई, एक्सेलरेशन
जीरो का मतलब क्या होता है, हम लोग बचपने में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, वी माइनस यू बाई टी इज इक्वल्स टू ए, वी माइनस यू बाई टी इज इक्वल्स टू ए, बचपने में कभी पढ़े थे, अब नहीं तुम पढ़े थे, तुम भूल गया होगे क्लास करना उस दिन, हाँ तो नाइन्थ में पढ़े होंगे, या और भी पढ़े हैं वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यही पढ़ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, चलो हो गया हो गया, भी क्या होता है फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड, यू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड कह लेते हैं। अब इसमें क्या है, यूनिफॉर्म के केस में दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल, इक्वल होने का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड को जीरो, राइट हैंड साइड जीरो होगा तब ना इसको हम लिख सकते हैं वी माइनस यू इक्वल्स टू जीरो, राइट हैंड साइड यदि जीरो हो, ये कब ऐसा होगा, यदि हम ऐसा कर लेते हैं, चलो v इक्वल्स टू यू कर लेते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल्स टू ए, v और u क्या है इक्वल है, तो मतलब जीरो बाई टी इक्वल्स टू ए, तो a इक्वल्स टू क्या होगा जीरो, तो यूनिफॉर्म के केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है जीरो, एक्सेलरेशन जीरो इसका मतलब क्या, उस बंदे के ऊपर फोर्स क्या होगा जीरो होगा, फोर्स क्या होता है एम इन टू ए, पढ़े हैं कभी, फिर से पढ़ेंगे, अभी फिर से पढ़ेंगे, जब हम न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे उस समय एफ इक्वल टू एम इन टू ए वापस से पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड क्या हो, चेंज ना हो रही हो, तो कह सकते हैं व्हेन ए पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में यदि कवर कर रहा हो तो क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इसलिए बहुत जगह यूज होने वाला यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में क्या क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो, वेलोसिटी सेम, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, और वेलोसिटी क्या होगा सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, क्या होता है एक्सेलरेशन जीरो, वी इक्वल्स टू यू, फोर्स इक्वल्स टू जीरो, और भी लिखना चाहे तो वी माइनस यू इज इक्वल्स टू जीरो, हमारा क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म, या उसको क्या कह सकते हैं वेरिएबल स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, सेम डिस्टेंस को अलग अलग टाइम में कवर करे, इसमें क्या किया 5 मीटर को 1 सेकंड में कवर किया, इसमें 8 मीटर को 1 सेकंड में, इसे 10 मीटर को 1 सेकंड में, इसे 5 मीटर को, ये कौन चलाता है, हम लोग जो बाइक चलाते हैं इसी तरीके से चलाते हैं, कभी स्पीड हाई रहती है कभी स्पीड क्या होती है कम रहती है, गड्ढा मिला तो और लो हो जाती है, तो कह सकते हैं इसको क्या सिंपल सा, पहले पार्टिकल कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या किया 5 कवर कर रहा है 1 सेकंड में, 8 कवर कर रहा है 1 सेकंड में, 10 कवर कर रहा है 1 सेकंड में, यहाँ पे क्या है अनइक्वल डिस्टेंस है लेकिन टाइम सेम रखे हैं, कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं अनइक्वल टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर ले, या ये भी कह सकते हैं कि टाइम भी चेंज होता रहे और डिस्टेंस भी चेंज होता रहे। तो यहाँ की बात करते यदि हम, मान लो एक बहादुर है, ये कितना यहाँ पे स्पीड क्या होगी इसकी डिस्टेंस बाय टाइम, तो कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ की बात करते हो तो कितना हो गया स्पीड 8/1 मतलब 8 मीटर पर सेकंड, यहाँ की बात करते हो 10 मीटर पर सेकंड होता डिस्टेंस 10, टाइम कितना लिया, टाइम कितना लिया 1 सेकंड, यहाँ की बात करते तो 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ की बात करते तो क्या होता 6 मीटर पर सेकंड, तुम ही लोग एज ग्रुप का होगा, तो ये अनइक्वल डिस्टेंस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, या ना टाइम फिक्स्ड हो ना डिस्टेंस फिक्स्ड हो तो वो क्या रहेगा हमारा वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या होता है जो फिक्स नहीं है, एक्सेलरेशन नॉट जीरो, फोर्स नॉट जीरो, वी इज नॉट इक्वल्स टू यू, होगा v माइनस यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड, हाँ बउआ वर्ड्स याद रखोगे ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब यहां से हमको मान लो कहाँ जाने के लिए दरभंगा जाने में कितना टाइम लगा और कितना डिस्टेंस है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे रेशियो निकाल देंगे तो वो क्या बताएगा हमको
उसका एवरेज एक्चुअल तो बता नहीं सकते हो, तो हम कह सकते हैं द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल फॉर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज क्या डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू दी टाइम टेकन, मतलब जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितना टाइम लगा है। जैसे मान लो यहां से यहां बंदा गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लिया दरभंगा गए हम लोग 50 किलोमीटर होगा, गए कितना टाइम लगा, मान लिया हमको 5 घंटा लगा, तो इसका स्पीड क्या होगा, एक एवरेज ही लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हर एक जगह स्पीड सेम रहा होगा, नहीं ना रहेगा, सेम रहेगा। इसी को हम यदि लिखना चाहते 50 किलोमीटर है, मान लिया हम चले 1 आवर 10 किलोमीटर, चले मान लो अगला हम 20 किलोमीटर चले 1 आवर में, कितना बच गया, नेक्स्ट 5 किलोमीटर हम चले 1 आवर में, और नेक्स्ट हमारा कितना बच गया 15 किलोमीटर, ये हम लोग कितने देर में चले 2 आवर में। ये क्या है, अलग अलग टाइम पे क्या है उसकी स्पीड अलग अलग है, तो इसका हम टोटल क्या करेंगे, यदि हमको इसका एवरेज निकालना होगा तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस 50 और टोटल टाइम 5, तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, ये इसका एवरेज स्पीड हो गया, कह सकते हैं ना। अब हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, किसी इंस्टेंट पे, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। यहाँ लिखा हुआ टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो का मतलब क्या, जीरो के पास लेकिन जीरो नहीं, पढ़े होंगे लिमिट वगैरह, लिमिट में क्या रहता है हमारा टेंस टू जीरो। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे हमारी जो ये मीटर है, किसका मीटर है, क्या कार का, क्या कार का ही होगा, 280 तो बाइक में होगा नहीं, ठीक है, तुम ना चलाए हो हम नहीं चलाए मतलब फिलहाल नहीं है, जैसे चलाएंगे तैयार है, ओके। तो 280 क्या है, चलो मतलब कार का स्पीड है, ये हमको क्या बताता है, ये हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है किसी भी कार की, ना ये एवरेज बताता है, ये मीटर जो है क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस, अभी हम फिलहाल इस सेकंड से कितने की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस बताने वाला। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बाइक या जो भी कार वगैरह है उसकी जो स्पीडोमीटर होता है, तो क्या बोला जाता है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर किस टाइप का स्पीड बताता है, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसका नाम क्या होता है, स्पीडोमीटर, इसके स्पीड को बताता है। तो कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है, इट इज द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बता रहा है। तो भी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टी टेंस टू जीरो, मतलब डेल एस बाई डेल टी, डेल एस का मतलब क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। तो ये इंस्टेंटेनियस कौन बताता है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर कहाँ लगा होता है, जितनी भी गाड़ियां, चाहे ट्रेन हो, बस हो, टेम्पो हो, ट्रक हो, सब में हमारा लगा होता है। पहला केस क्या कह रहा है, केस नंबर 1 की बात करें, फर्स्ट केस क्या कह रहा है, व्हेन ए पार्टिकल डिस्क्राइब डिफरेंट डिस्टेंस, मतलब अलग अलग डिस्टेंस को विद किसके डिफरेंट टाइम इंटरवल T1, T2, T3, मतलब क्या है, कोई पार्टिकल है 10 मीटर गया 2 सेकंड में, अगला 15 मीटर गया मान लो 25 सेकंड में, अगला 25 मीटर गया कितने 1 सेकंड में, ये क्या है, डिफरेंट डिस्टेंस को डिफरेंट टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, यही हुआ ना। तुम यहां से गेट तक गए कितने स्पीड में चलते हो, यहां से गेट तक यदि मान लो चलते हैं तो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, इस गेट से लेकर रोड तक जाने में जब दोस्त सहेली लोग मिल गए तो क्या हुए, चुगली शुरू। लड़कियों का फेवरेट काम क्या होता है, लड़कों का फेवरेट काम होता है मार पिटाई करना, ठीक है, और उससे ही फेवरेट काम होता है दूसरे के चक्कर में मार करना, मार खाना, ठीक है। और लेकिन एक चीज होता है लड़कों में सबसे बढ़िया चीज क्या मालूम है उसमें, मतलब एक चीज हम देखे हैं, एक लड़का यदि हम जैसे ब्लैक पहन के आए, मेरा दोस्त होगा ना वो भी जाके मार्केट से ब्लैक खोज के आएगा, कहेगा भाई दोनों आदमी ब्लैक ब्लैक पहन के चलेंगे, इसको कहते हैं लड़कों में खोज। यदि कोई लड़की ब्लैक पहन के आई है, ठीक, और कोई उसकी सहेली होगी, उसको पता चल गया आज वो ब्लैक पहन के आई है, क्लास में उसने इंटर क्लास पहले देख लिया था वो ब्लैक पहन के, उसी से वापस अपने घर जाएगी और वो रेड पहन के आएगी, कुछ भी हो जाए सेम सेम होना नहीं चाहिए। चलिए, तो पहला केस क्या कह रहा है कि हम लोग क्या चल रहे हैं,
डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। मतलब पहले 10 मिनट तक हम क्या चले 10 किलोमीटर के हिसाब से, अगले 5 मिनट तक क्या चले 50 किलोमीटर, अगले 5 सेकंड में क्या चले 25 चले। तो अलग अलग डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, D1, D2, D3 अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग टाइम में कवर कर। जैसे यहाँ देखोगे ये क्या कर रहा है, ये बहादुर यहाँ से यहाँ तक चला कितना S/2 डिस्टेंस को, कितना T1 टाइम में, S/2 डिस्टेंस को T1 टाइम में। यहाँ से यहाँ तक कितने T2 टाइम में चला, कितने डिस्टेंस को S1 डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस अलग हुआ ये डिस्टेंस अलग होगा। उसी तरह यहाँ पे S2 डिस्टेंस को कितने टाइम में चला, ये भी चलो T2 टाइम में चला। तो अलग डिस्टेंस को अलग टाइम में चला है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस केस की चर्चा जब करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हमको दिया क्या है, डिस्टेंस दिए हुए है, टाइम दिए हुए है, तो दोनों को हम लिख सकते हैं इतना डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम एवरेज जानते हैं। अब यदि हमारे पास यदि इसका वेलोसिटी भी दिया रहता कि इस टाइम में यहां से यहां तक जाने में वो किस वेलोसिटी को पकड़ा 3 मीटर पर सेकंड, यहां से यहां तक जाने में किस वेलोसिटी को पकड़ा 4.5 मीटर पर सेकंड, पकड़ सकता है, या स्पीड 4.5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे क्या स्पीड था। यदि हमको ऐसा कुछ दे दे कि डिस्टेंस दे दे और हमको क्या दे दे स्पीड दे दे, क्या दे दे स्पीड दे दे, तो भी हम निकाल सकते हैं इस वाले फंडे से, डिस्टेंस पता है स्पीड पता है, तो डी की वैल्यू डालेंगे जो भी है और स्पीड की वैल्यू डालेंगे, है कुछ नहीं ठीक है, याद करो नहीं करो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन बनना चाहिए। हमारा स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, होता है। अब यदि हम इसको लिखना चाहे कि नीचे टाइम है, यदि टाइम इक्वल्स तो क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हेन पार्टिकल मूव विद स्पीड कितना v1 अप टू हाफ डिस्टेंस। यदि कोई डिस्टेंस हमको कवर करना है, यहां से हमको यहां जाना है, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या यदि d है तो इसका हाफ क्या होगा d/2। फिर क्या कर रहा है, हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है v1 स्पीड से, और टोटल मोशन एंड द रेस्ट टाइम मूविंग विद किस स्पीड से, मतलब टोटल डिस्टेंस का बाकी जो रिमेनिंग बचा उसको जा रहा है v2 की स्पीड से। तो इस केस में एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा इस केस के लिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, यही इसका एवरेज होगा। तो इसको कह सकते हैं इफ द बॉडी ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड ड्यूरिंग सेम टाइम इंटरवल, ठीक है, देन एवरेज स्पीड क्या होगा इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का नाम सुने हो, क्या होता है अर्थमेटिक मीन, ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होता था, ए प्लस बी बाई 2 पढ़े थे, तो ये भी तो वही है ना, अर्थमेटिक मीन ही है ना ये। अब क्या कह रहा है, व्हेन ए पार्टिकल कवर 1/3 डिस्टेंस, इस केस में क्या था, हाफ डिस्टेंस था S/2 और यहां से भी क्या था S/2। अब इस केस में क्या कह रहा है, 1/3 डिस्टेंस किस स्पीड से, v1 से, नेक्स्ट 1/3 स्पीड v2 से, और जो रिमेनिंग बचा वो, मतलब ये है हमारा, ये बहादुर क्या है, ये टोटल डिस्टेंस कितना मान लिया s, इसका 1/3 कितना होगा, यहां ध्यान दो ये किससे जा रहा है v1 से, यहां किससे जा रहा है v2 से, यहां किससे जा रहा है v3 से। 1/3 का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा स्पीड, तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा इसका, एवरेज 3 v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 into v2 v2 into v3 plus v3 into v1। यदि कैसा देगा, यदि हमको कैसा देता है क्वेश्चन में, टोटल डिस्टेंस मान लो दिया s, नहीं दिया 1/3, ऐसे मुंह से बोल दिया मुजवानी, कितना v1 से, उसका नेक्स्ट 1/3 v2 से, और नेक्स्ट 1/3 v3 से। इस समय ना हमको डिस्टेंस पता है न टाइम पता है, पता क्या है सिर्फ वेलोसिटी, तो हमको वेलोसिटी एवरेज क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, कह सकते हैं इफ ए बॉडी इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड देन इट मीन एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, हार्मोनिक मीन या किसके, इंडिविजुअल स्पीड के। अब जैसे ये बहादुर क्या था, कैसे चला था इस केस में, ये किसके लिए केस था,
ये बहादुर चला हाफ डिस्टेंस किस स्पीड से, V1 से, और हाफ डिस्टेंस किससे चला था, V2 से, यही पढ़े हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड इट्स मीन एवरेज वैल्यू, मतलब ये हमारा क्या है मीन एवरेज वैल्यू, क्या होता है हार्मोनिक मीन होता है इंडिविजुअल। अब हार्मोनिक मीन होता क्या है, देखो ये हमारा क्या होता है ए बी, यदि हमारा एपी में है, ठीक है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है ये हमारा क्या देता है हार्मोनिक मीन में जाता है। मतलब यदि कोई टर्म लिखा है, कोई सीरीज लिखा हुआ है, और उसको यदि पलट के माइनस को तो सबका क्या हो कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो उस सीरीज को क्या कहा जाता है हार्मोनिक। सब सीरीज में जोड़ रहे हैं, यदि ए प्लस बी करते तो ये किस में आता एपी में, यदि ए और बी किस में है एपी में है, इसका इन्वर्स यदि हम करते हैं तो वो सीरीज क्या कहलाएगा, जैसे 1 बाई ए और 1 बाई बी, क्या कौन सा प्रोग्रेशन कहलाएगा, यहाँ ध्यान दो बउआ, यहाँ ध्यान दो, ये हमारा किस में कहलाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो ये टर्म कौन से 1 बाई ए और 1 बाई बी, हमारे दो टर्म हुए किसके हार्मोनिक प्रोग्रेशन के। नेक्स्ट हमारा व्हेन ए पार्टिकल मूविंग विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड, कितना V1, V2, V3, etc किसमें डिफरेंट टाइम इंटरवल T1, T2, T3, क्या हमको दिया है वेलोसिटी दिया और टाइम दिया है, डिस्टेंस हमको दिया नहीं है। नॉर्मली स्पीड का क्या जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन डिस्टेंस हमको दिया नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे सिंपल सा V1 T1 plus V2 T2 divided by T1 plus T2 plus T3। क्या कह रहे एकदम, इफ ए कार कवर 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी V1, मतलब मान लो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या, चलो x मान लिए, ठीक है, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना 2/5 चल रहा है किस वेलोसिटी से, 2/5 का मतलब कुछ यहाँ, तो कह सकते हैं 2/5 x किस वेलोसिटी से जा रहा है V1 से जा रहा है, तो बचा क्या, और 3/5 किससे जा रहा है V2 से, मतलब 3/5 x किससे जा रहा है V2 से, कह रहा है उसका पूछ रहा है कि बताइए भाई इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, ए से बी तक का डिस्टेंस, टोटल टाइम मतलब यहां से यहां तक चलने में जो टाइम लगा होगा, यहां से यहां तक चलने में टाइम लगा होगा, यहां से यहां तक चलने में जो टाइम लगा इसकी हम बात करें तो वी इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो यहां का डिस्टेंस कितना 2/5 x और वेलोसिटी कितना V1, तो यहां से लिख सकते हैं 2/5 x डिवाइडेड बाय क्या V1 प्लस ये T1 टाइम हो गया, इसके लिए ये क्या हो गया T1 टाइम, इसके लिए टाइम क्या होगा T2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना कवर किया 3/5 x और टाइम इसको वेलोसिटी कितना लगा इसमें V2, इसको पुट कर दिए हमारा क्या हो जाएगा 3/5 x / V2। इसको सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं सॉल्व, अब जिसको सॉल्व नहीं करने आता है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा होगा 5V1 V2 डिवाइडेड बाई 3V1 plus 2V2, सॉल्व करके आएगा। चलो देखो ये हमारा एस्केलेटर होता कैसा है, कुछ ऐसा एक सीढ़ी समझ लो, चलता हुआ सीढ़ी, पहला दिन प्रीति पागल हो गई तो क्या पहुंची, यहाँ पहुंची, उसके पागलपन को देखते हुए मेट्रो स्टेशन वाले क्या किए एस्केलेटर को बंद कर दिए, तो ये बहादुर चलो ये बहादुर चलते चलते यहाँ पहुंची, स्टेशनरी एस्केलेटर का मतलब क्या है वो अब सीढ़ी है रुका हुआ, तो इसको टाइम कितना लगा T1, फुदक फुदक के पहुंच गई। अब दूसरे दिन जब पहुंची वो नॉर्मल हो गई थी, दवाई ववाई खाई थी, ठीक है, किसी गायकोलॉजिस्ट से दिखवाई थी, दवाई खाई थी, तो क्या की दूसरे दिन पहुंची, उस दिन क्या था प्रीति इस एस्केलेटर पर यहाँ चढ़ गई और एस्केलेटर मूव कर रहा है, पहले दिन कौन मूव किया प्रीति, एस्केलेटर रुका हुआ था, दूसरे दिन क्या हुआ कि प्रीति अब
स्टेशनरी खड़ी है, रुकी हुई है और एस्केलेटर मूव कर रहा है, तो इसको टाइम कितना लगा? T2 टाइम लगा। तो पूछा ये जा रहा है कि भैया बताओ एस्केलेटर भी मूव करे या पृथ्वी भी कूदते रहे तो क्या होगा आंसर, तब उसको कितना टाइम लगेगा, यही पूछा जा रहा है ना। तो फर्स्ट टाइम की बात करें केस वन की, जब क्या था एस्केलेटर रुका हुआ था, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी एस्केलेटर रुके तो पृथ्वी की तो कुछ तो वेलोसिटी होगी। यदि यहां से यहां तक डिस्टेंस हम मान लिया कितना, ये डिस्टेंस क्या मान लिया x, टाइम कितना लगा T1, तो x बाई T1। दूसरे दिन केस टू में V2, डिस्टेंस तो सेम x बाई T2। तो यदि पृथ्वी भी चल रही होती और एस्केलेटर भी चल रहा होता तो वेलोसिटी क्या होती, ये और वेलोसिटी ऐड हो जाती, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाती, V1 प्लस V2, मतलब x by T1 प्लस x by T2, ये होता। अब क्या कह रहा है, वेलोसिटी तो हमको पता चल गया, अब हमको पूछा क्या जा रहा है, टाइम। टाइम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बाय वेलोसिटी या स्पीड, वही बोले हो, डिस्प्लेसमेंट कितना या डिस्टेंस कितना x, और ये कितना टाइम लगा इसको, इसको लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते थे, x 1/T1 प्लस 1/T2, कहाँ माइनस होगा। अब की बार क्या है, दोनों चल रही है, तो यहां पे लिखते तो क्या लिखते यही हमारा टोटल वेलोसिटी ना, तो x से x आप यहां से सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आएगा इतना। एक बंदा कहां से, यहां से चला यहां मार्केट, ये कितने किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर, चला किस स्पीड से, गया है किस स्पीड से, ये चला है हमारा 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गया है, तो इसको कुछ टाइम लगा होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो हम टाइम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो हमारा कितना आ गया यहां से, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना 2.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, तो कितना आवर इसको लगा, ये कट गया 2, तो 1/2 आवर, ठीक है। तो ये हम आप 40 मिनट दिए हुए, तो सबसे पहले हम क्या कन्वर्ट करेंगे, हाफ आवर को मिनट में, तो कितना हो जाएगा ये 30 मिनट। इसके पास रिमेनिंग कितना मिनट बचा है, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट में कितना चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, जब हमको इसका क्या दिए हुए है, वापस आने का स्पीड हमको दिए हुए है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब स्पीड हमको कितना दिया हुआ है 7.5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना इसके पास बचा हुआ है 10 मिनट। यूनिट अलग अलग है, पहले यूनिट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, 7.5 किलोमीटर और आवर को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो कितना, एक आवर में कितने मिनट, 60 मिनट इंटू 10 मिनट, ये मिनट से मिनट साफ, लड्डू से लड्डू साफ, ये कितना हुआ 7.5 डिवाइडेड बाय 6, कितना होता है 1, और ये हो गया 3 किलोमीटर हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना था, इसका एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस पता चल गया, एक बार कितना डिस्टेंस चला था 2.5 किलोमीटर, वापसी में कितना डिस्टेंस चला 1.25 किलोमीटर, टाइम कितना इसको मिला इस पूरे कार्यक्रम को करने के लिए 40 मिनट, तो हमको एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, यही ना, D1 D2 कितना है, एक हमारा है 2.5 किलोमीटर प्लस 1.25
25 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 40 मिनट, यहाँ आंसर हमको दिए हुए किलोमीटर पर आवर में, तो 40 मिनट टाइम लगा है, तो 40 मिनट को आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 40 मिनट को आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको बोलने दो, 40 मिनट को आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, नहीं पता है ऐसे कैसे चलेगा मेरे लाल। देखो 1 आवर इज इक्वल टू कितना 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट बराबर कितना 1/60 आवर होगा, 1 मिनट यहाँ पे 1/60 पुट कर देंगे तो हो जाएगा काम, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/60 आवर, और ये हमारा क्या हो गया किलोमीटर, इसको सॉल्व करेंगे हमारा कितना जाएगा 45/8 किलोमीटर बाई पर आवर। आर मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड कवर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस 20 और इतना रेस्ट इतना, तो एवरेज स्पीड बताना है। क्या कर रहा है एक कार हमारा, यहाँ मान लो ए से कहाँ को जा रहा है बी पे, स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, इसका 1/3 किस स्पीड से चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। यदि हम बात करें ये डिस्टेंस कितना 1/3, यदि टोटल डिस्टेंस एक्स होता तो 1/3 कितना होता डिस्टेंस एक्स बाई थ्री, और ये डिस्टेंस कितना होगा 2x/3। इसको कितने की स्पीड से जा रही है, ये इस स्पीड में जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, और इसको कितने से जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब यहां से हमको डिस्टेंस पता है स्पीड पता है, यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना x/3 और स्पीड कितना दिए हुए है 20, यही दिए हुए है। इसके लिए हम ये t2 निकालते तो कितना होता डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब 2x/3 डिवाइडेड बाय 60, यही होता ना, होता या नहीं होता। तो यहाँ फॉर्मूले में सीधा टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस x, टोटल टाइम कितना लगा कितना आया ना, ये हमारा हो गया, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा x बाय 60, और इसको सॉल्व करेंगे तो x बाय 60 नहीं होगा, नहीं ये इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा x बाय 90 x बाय 90। अब यहां रख देते हैं x बाय कितना 60 प्लस x बाय 90, इसको सॉल्व करने कितना आएगा x ऊपर से भी कॉमन ले लो x नीचे से भी कॉमन ले लो 1/60 प्लस 1/90। सॉल्व करेंगे x x का ये कितना हो गया 60 × 90 डिवाइडेड बाय कितना 60 + 90, यही होता है ना, ये कितना हो गया इसको सॉल्व करेंगे तो 5/30 आएगा, ये हो गया कितना 0 से 0 का कटा कितना होगा 3 पॉइंट सम, एक और 0 होगा ना इसमें 36 किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऑन ए ट्रैक 60 किलोमीटर, मान लियो महादूर हमारा ए ये पॉइंट है और बी हमारा ये पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, ठीक है तो फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहले हाफ डिस्टेंस को मतलब 30 किलोमीटर को इसने किस स्पीड से कवर किया 30 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट कितना बचा, तो पूछ रहा है यहाँ पे इसका स्पीड क्या होगा,
जिसके कारण इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाए 40 किलोमीटर पर आवर। हम लोग पढ़े थे यदि हमारे पास हाफ डिस्टेंस इस स्पीड से चलाए, हाफ इस डिस्टेंस दूसरे स्पीड से चलाए, तो डायरेक्ट एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला टू वी वन वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू, डायरेक्ट पढ़े थे। यदि नहीं पढ़े तो हम पूरा निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। इससे एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, टू इंटू वी वन कितना है 30, वी टू हमको निकालना है, वी वन 30 प्लस वी टू, ये किसके बराबर है, ये पूरा बंदा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितना दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो गया 60 वी टू इज इक्वल्स टू 1200 प्लस 40 वी टू लिखा जा सकता है। ये इस साइड आ गया, कितना बचा इस साइड 20 वी टू इक्वल्स टू 1200, वी टू इक्वल्स टू कितना 1200 डिवाइडेड बाई 20, 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब ये हमारा क्या था, टोटल डिस्टेंस कितना 60। अब यहां से बंदे को यहां आने में कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना 30, स्पीड कितना 30, तो बचा 1 आवर। ठीक है, एक पहला हमको निकल गया, चलो 1 आवर प्लस। अब दूसरा वाला हमको नहीं पता, ये क्या नहीं पता है, स्पीड इसका नहीं पता है, तो फॉर्मूले में डालते तो क्या होता, टी टू इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 30 और स्पीड कितना है x, यही है ना। अब यहां पे रख लेते हैं 30 बाई x लिख सकते हैं। अब ये कितने के बराबर हमको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 60 बाई 1 प्लस 30 बाई x लिखा जा सकता है। अब इसको सॉल्व करोगे क्या लिख सकते हैं, ये लड्डू से ये लड्डू साफ, या 4 इक्वल टू 6 बाई, ये क्या होगा 6x बाई कितना x प्लस 30, यही होगा ना, हटा लिए। अब ये कितना हो गया 4x प्लस 2x, यही होगा ना, होगा तो x इक्वल टू कितना 120 बाई 2, आंसर कितना था इसका, आज कितना आया